बिहार में बाबा बागेश्वर के दरबार पर हंगामा। तेज प्रताप ने बनाई डीएसएस सेना, कहा गलत बोले तो विरोध होगा। बिहार के शिक्षा मंत्री बोले लाल कृष्ण आडवाणी वाला हाल करेंगे। बीजेपी ने बिहार सरकार पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। मध्य प्रदेश के बाबा बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वह बिहार में लगने वाले दरबार की वजह से हैं, क्योंकि वहां की सत्ता पर काबिज आरजेडी और जेडीयू के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि धर्म के नाम पर बांटने वाला काम करेंगे तो हम बिहार में उनका दरबार नहीं लगने देंगे। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्यों हो रहा है विवाद। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि तेज प्रताप यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर क्या कुछ कहा है। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पर घेराव में करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे आ हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे तो, अगर भाईचारे का संदेश देंगे आ करके कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। इस बयान के बाद तेज प्रताप यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ डीएसएस के युवाओं को ट्रेन करते हुए फोटो ट्वीट किया है। शास्त्री का कैसे और कब विरोध जताना है इस बात की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। हालांकि हमेशा भक्ति भाव में डूबे रहने वाले तेज प्रताप यादव पहली बार किसी शास्त्री की योग्यता रखने वाले धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर के लिए चुनौती बने हुए हैं। तेज प्रताप यादव के बाद आरजेडी के तमाम बड़े नेता जैसे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और राज्य के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी धीरेन्द्र शास्त्री को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, नहीं तो राम यात्रा निकालने वाले लाल कृष्ण आडवाणी का जो हाल बिहार में हुआ था वही हाल उनका भी होगा। यही नहीं, शिवानंद तिवारी ने बाबा बागेश्वर का विरोध किया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। पटना आगमन को लेकर के आरजेडी मुखर है, नहीं आने देने की बात कर रहा है तेज प्रताप। देखिए हम जानते नहीं है उनके बारे में, लेकिन हमको जो लोग बता रहे हैं कि वो जिस ढंग का प्रवचन करते हैं, हमने उनका फोटो तो देखा, मैंने उनको कुत्ते उत्ते हुए बंदर की तरह नाचते हुए, तो हमको कुछ समझ ही में नहीं आया कि ये बंदर नुमा आदमी जो है कोई प्रवचन देगा। उसमें कहा गया कि लाखों लोग होंगे, अब पता नहीं इस देश को क्या हो गया है जो कह रहा है कि साहब हम इस देश को बदल देंगे, सनातनी कर देंगे। एक आदमी 140 करोड़ आबादी वाले देश को कह रहा है कि हम बदल देंगे, तो इसका तो जो मनोचिकित्सक लोग हैं जो दिमागी रोग का पहचान करते हैं उसका इलाज करते हैं उसकी जगह भेजा जाना चाहिए। अब ऐसा आदमी आकर के हमारे देश में जो संविधान है, हिंदू मुस्लिम औरत मर्द सब को बराबर एक नजर से देखने वाली बात है, कोई आके इस तरह से भेद करे कि ये देश जो है हिंदुओं का है तो ये फलाने का है, ये ठिकाने का है, उसको तो पकड़ के जेल में बंद कर देना चाहिए। मेरा तो यही मानना है। तो हम बहुत विस्तार से उसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन जैसे हमने सुना, हमने पूछताछ किया कि भाई है कौन चीज ये, और उसी में हमने यूट्यूब में देखा उनको कहीं मन से कूद के नीचे आते हुए, कहीं कहीं जाते हुए, नौजवान लड़का है। अब इस तरह का ये देश गजब है भाई, ये देश गजब है। ऐसे लोगों को तो पागल खाने में बंद करके रखना चाहिए। बिहार के नौबतपुर में ये कार्यक्रम होना है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्थानीय आयोजन समिति के लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। दिन रात लोग भक्ति भाव से बाबा के कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 13 से 17 मई तक आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार के कोने कोने से आए हजारों हनुमान भक्त शामिल होंगे। इसमें बाबा बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार भी सजेंगे, जहाँ भक्त अपनी अपनी अर्जी लगाते हुए दिखेंगे। तो वहीं इस मामले में बीजेपी के नेता बाबा बागेश्वर के पूर्व से पटना के गांधी मैदान में निर्धारित कार्यक्रम के ले जाने पर आपत्ति जताई है। यहाँ तक उन्होंने कह दिया है कि बिहार में सरकार विशेष जाति धर्म के लोगों को खुश करने में लगी हुई है, पूरी तरह से तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है। तो ये थी बाबा बागेश्वर से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी है रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।